Hi guys. Welcome back to Three is a Crowd. Thank you for 50,000 subscribers. That's like half the silver button अगर YouTube देना चाहे हमें तो bronze button दे दो. So now that we have 50,000 subscribers, तो giveaway तो बनता है ना. I mean आप दोनों को मेरे को भी देना चाहिए. इतना expose करने के लिए अपना. आपको मुझे देना चाहिए. Actually तुम दोनों को मुझे देना चाहिए. तीनों के एक एक करके 10th बोर्ड मार्क्स 96.4 93.2 12th बोर्ड मार्क्स फर्स्ट AIATS में मार्क्स 540 100% मैंने जब भी अपना 100% दिया ना मेरे को कभी भी फील नहीं हुआ कि मैंने अच्छा नहीं किया या फिर What do you mean by giving your 100%? जब तुम सोने रहे ना तुम्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने अच्छी पढ़ाई की है. एक पेपर को इस तरीके से दो कि तुम्हारे पेरेंट्स रिजल्ट को देखकर कुछ भी बोले तो फर्क नहीं पड़े क्योंकि तुमने अपना बेस्ट दिया. 10th के बोर्ड्स है ना, मैथ्स का जो बोर्ड था ना वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपने पूरा 100% पढ़ाई की थी और इतना मजा आया था ना, मजाक नहीं कर रहा. मैंने खाना खाते पढ़ाई की थी, मैंने मतलब पूरे दिन पढ़ाई की थी, पूरे दिन मैथ्स की थी पूरे दिन, और मतलब फील ही नहीं होता कि पूरे दिन से पढ़ रहा हूँ. उस दिन जरूरत भी थी. I think same thing with you, आपके साथ SST में हुई थी ना? नहीं SST में और maths में भी बहुत कितने 15 पेपर दिए हैं, 15 सैंपल पेपर दिए हैं, मतलब maths by for boards. हाँ. By the way guys, maths system में मैंने पढ़ा है. तो ये flex. IIT. 15 into 3 45 आवर्स तो मैंने सिर्फ पेपर देने में निकाले. एक दिन में 3 दिन पेपर, 9 घंटे तो पेपर ही दिए मैथ्स के लिए. ऐसा है कि तुम्हें ना बुक के आने बैठना नहीं है. हर मतलब बहुत लोग करते हैं वो बुक के आने बैठे रहते हैं. टाइम से मत पढ़ो, टॉपिक से पढ़ो. एक टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि आज का तुमसे नहीं. मैं भी यही बोलती थी हमेशा. मैं बिल्कुल भी ये नहीं देखती कितने घंटे पढ़ना है. गोल सेट करती हूँ मैं बेसिकली पूरे दिन का कि इतने चैप्टर्स करने हैं, इस चैप्टर में रिवीजन करना है, इस चैप्टर में क्वेश्चंस लगाने हैं, इस चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़नी है. ये करके मैं गोल्स बनाती हूँ. तो मैं ये नहीं देखती कि अगर मेरे को पता है कि मुझे ये इतना कम्प्लीट करना है तो वो मैं कम्प्लीट कर ही लेती हूँ. मैं ये नहीं देखती कि ओ भाई अब तो 6 घंटे हो गए, अब तो बाय बाय टाइप्स. आई हैव अ टू डू लिस्ट टाइप ऑफ डायरी एंड उसमें मैं लिखती हूँ मुझे आज ये करना है, आज ये पेपर देना है, आज इन लोगों से बात करनी है अबाउट समथिंग, या आज वीडियो शूट करनी है. तो मैं उस डायरी में सब कुछ लिखती हूँ. बट या मैं मॉनिटर नहीं करती कि मुझे इतने घंटे ही पढ़ना है, इससे 1 मिनट ज्यादा नहीं, इससे 1 मिनट कम. मतलब आई डोंट थिंक मैंने 10 आवर्स भी खाए, 8 आवर्स से ज्यादा पढ़ाई तो नहीं करी. हाँ, पूरी नीट में. मतलब मैंने नीट में, मतलब मैंने अगर मैक्सिमम की पढ़ा ना तो 10th के मैथ्स वाले बोर्ड वाले दिन ही था भाई. पूरा दिन पढ़ा था. कभी नहीं पढ़ा भाई. तुम्हें पता लग गया मेरे को ये नहीं आता. कोई नहीं, बैठे थोड़ी देर, बहुत टॉपिक्स हैं, कोई नहीं, स्केड्यूल बनाओ, शुरू करो. ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो. बहुत बहुत बार ये होता है शेड्यूल बनाने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है ना. टॉपिक पकड़ो, ये है ये करना है, ख़त्म.
this sort of thing, like, so for one day you can do it, for two days you can do it, but how can you do it for 2 years? Pata hai, 2 saal ye log bahut matlab bahut waise bolte hain, but it's so, every day is fun, pata hai, every day studying new things, learning new things, and it's like a challenge, na, it's a competition. Matlab humare bahut paper hote the, to wo paper, har paper ek goal hoga, matlab it's like short term goals bahut saare hote the, it wasn't like a NEET dena hai 2 saal baad, hame 2 saal NEET ke liye padna hai, hame parso wale paper ke liye padna hai, usme best karna hai. So it was कि 2 साल वाला चीज, इट साउंड सो टायरिंग बट इट इजंट रियली. और हम क्लास में भी बहुत मस्ती करते थे. सेम है, एम अपना ऐसा होना चाहिए कि मतलब तुम्हें अच्छा करना है खुद से, रैंक लेने पे ना हाई मिलता है. देखो ड्रग दो, बस मुझे पासिंग लाइक नंबर ला दो. जितनी रैंक आएगी तुम्हारी उतना तुम्हें अच्छा लगता रहेगा, उतना तुम और सोचोगे कि अब नेक्स्ट यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ. और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सारे पेपर्स दिया करो, पेपर देना बहुत जरूरी है. वो एक हाई, वो एक मतलब इट एनीवेज मेक्स अ प्रिपरेशन मोर इंटरेस्टिंग. शॉर्ट टर्म गोल्स नीट नहीं सोच रहे, तुम्हें सोच रहे वो वाला पेपर है उसमें प्रूव करना है, उसमें उस पेपर में मार्क्स लाना है, तो वो और एक वो ईगो बूस्ट, एक हाई और अपने अच्छे दोस्त बनाओ, हेल्पफुल रहो, मतलब सही में सबकी हेल्प करना. नेगेटिव कंपटीशन प्लीज मत करना, तुम्हारे लिए हार्मफुल है बहुत ज्यादा. वो तुमको मेंटली खा जाएगा, पता है, दैट विल जस्ट मेक यू टॉक्सिक. एंड वी ऑल थ्री ऑफ अस यूज्ड टू आइडेंटिफाई जो लोग नेगेटिव कंपटीशन करते थे हमारी क्लास में. व्हाट इज नेगेटिव कंपटीशन? नेगेटिव कंपटीशन इज कि इसको मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा. दिस इज द डील कि मतलब तुमने कर लिया, तुम बता दो, नहीं यार मैं बिजी हूं, मैं डाउट पूछने जा रहा हूं, या फिर या तुम अपने नोट्स नहीं दे रहे किसी को. जैसे कि ऐसा होता था कि अगर मुझे कुछ पता चलता था ना, तो मैं इनको आके बताती, यार सर ने इतना सही तरीका बताया करने का, तो बहुत ईजी है. बट नेगेटिव कंपटीशन, ओ भाई सर ने बताया, अब किसी को नहीं बताऊं, अगर किसी ने पूछ लिया मुझसे, मैं ही पढ़ूंगा. एग्जैक्टली. और हमारे केमिस्ट्री सर थे, वो हमेशा बोलते थे कि सीट्स सबके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए सीट्स हैं, तो ये नहीं कि वो मेरी सीट खा जाएगा. मैं एक सीट चाहिए, एक सीट चाहिए. अपना देखो यार, खुद को इम्प्रूव करो, तुम्हारा हो जाएगा. तुम कर लोगे, कोई भी कर सकता है, मैंने कर लिया, तुम तो कर लोगे. एक टॉपिक को अच्छे से करना, जो फीलिंग होती है ना कि इसका, इस टॉपिक का मैं कोई भी क्वेश्चन कर लूंगा, वो अलग होती है. अलग इस टॉपिक का मैं कोई भी क्वेश्चन कर लूंगा, सही में ही है. हां, हम बोलते हैं थर्मो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन. और ना, और ये सबसे ज्यादा ऐसे बोलता था, और इसको मैं स्पेशली लेके आते थे इसके लिए क्वेश्चन. एक मिनट, एक मिनट, पूरे दिन भाई क्वेश्चन तो पढ़ा था. नहीं, हो जाएगा, आज ही हो जाएगा. बाय द वे गाइस, इफ यू हैवंट नोटिस्ड, इन दोनों ने कोऑर्डिनेट करके अपनी टी शर्ट पहनी है. We wear the same thing on accident. This is so embarrassing. अगर किसी को ऐसा लग रहा है ना कि वो अपनी मतलब प्रैक्टिस या रफ में परफॉर्मेंस पेपर में रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है तुम पेपर वाले एनवायरनमेंट में नहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो. नेक्स्ट टाइम एक टाइमर लगाना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर फिजिक्स का है तो 1 मिनट देना, 40 क्वेश्चन 40 मिनट का टाइम लगे करना. पहली बार में नहीं होगा, पहली 10 बार में नहीं होगा, बट तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि उस प्रेशर में परफॉर्म करने का आइडिया लग जाएगा. टाइम बाउंड, बायो में 30 सेकंड्स देना, केमिस्ट्री में 45, 2 मंथ्स 1 मंथ में हैबिट लग जाती है. समझ आता है कितना टाइम देना, टाइमर के साथ ही क्वेश्चन करना, जब भी करना हमेशा टाइमर के साथ करना. क्वेश्चंस पूरे पढ़ना. 11th में हम लोग 1 घंटे 2 घंटों में पेपर करके छोड़ देते, हमारी सिली मिस्टेक्स एन नंबर 20-30 सिली मिस्टेक्स कर. इजंट दिस व्हाट हैपेंड इन नीट? मेरा पेपर केमिस्ट्री और बायो 1 घंटे में हो गया था, 1 hour 10-15 minutes. केमिस्ट्री बायो दोनों? हाँ, मुझे लग रहा है विधि इतनी जल्दी क्यों किया? अरे वो कुछ भी, अब वो पता है कैलकुलेशन दे ही नहीं रहे, तो मैं क्या सॉल्व करूँ उसमें. मेरी तो सिली मिस्टेक्स नहीं, समवॉट इम्प्रूव करने के बाद सीधा पेपर वाले दिन कूड़ा करते. जब मेरे कंसिस्टेंटली मतलब थोड़े खराब मार्क्स आ रहे थे, उस टाइम मैंने किया था कि अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी थी. तो उस टाइम जैसे ऐसा होता है कि 24 क्वेश्चंस अगर तुम गलत करो तो तुम्हारे 600 आएंगे, ठीक है. तो उसमें हाँ, था कि मैंने शुरू था कि मैं 20 अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, 20 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा. मैं जान में मेरे को 160 अटेम्प्ट करने हैं अभी, इंप्रूव करने उसके हिसाब से. तो मैं 20 क्वेश्चंस छोड़ के आया था, और मेरे मेरे 570 से 590 हो गए थे एक टेस्ट में उसमें, क्योंकि मेरे पास बहुत बहुत टाइम था और बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत अच्छा 20 मार्क्स कब से तरसा था मैं इनके लिए. If you're speaking to someone who's really trying, who's you know doing all these techniques and everything, but they're getting burnt out. जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, then I tried मतलब beginner friendly books, मतलब बहुत ही basic book के पास गया था मैं. मेरे को DC पांडे बहुत अच्छी book लगी थी, बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें बहुत simple questions थे, बहुत simple. ऐसे देखिए मतलब rainbow के colors के हैं. ऐसे क्वेश्चन थे लिटरली बीच में, और डीसी पांडे करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आया था. व्हेन यू सी ना कि मैंने 40 क्वेश्चंस कर लिए 10 मिनट्स में, जो फिजिक्स में इट्स अ फीट इन इटसेल्फ. तो वही, तो
ऐसे सिंपल सी बुक यूज करना क्योंकि नीट में भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं तुम्हें पता है. What about some gossip? Tell us some gossip. Hmm. Are you guys dating? No. Are you open to dating? Yes. Yes. Hamare YouTube channel pe please inka rishta promote kar do. Okay, all the single ladies, please hit these two young, beautiful, eligible bachelors. this little one has a dimple. And this one doesn't. Coach me. Coach me. Okay, so that's the end of the video, guys. I hope you guys learned something from this, their experience. I know I did. So, guys, if you like this video, please like karo. Comment down below agar aapke bhi koi aise bad days rahe ho and aapne kaise cope up kiya unke saath. I would really like to know for future purposes. Maybe kaam aate hain humne se kisi ke. Hai na? Haan. I'm sure zarurat hogi tumhe. Mere ko bhi se. Mere ko bhi. Jo tumhare halaat hain. I'm not too hopeful. Like, subscribe and share this with your friends, with your family, and please agar achhi lagi to like karo and gandi lagi to please baby subscribe cringe yaar yahan pe sabse cringe yaar nahi subscribe karo aur share karo aur comment karo comment karna hai aur na kitni cringe sach mein yaar sach mein kar denge kar denge bye to bol do shubham bye 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 So guys, now that we have 50,000 subscribers, मैं बोलता हूँ अब 50,000 subscribers हो गए तो अच्छा ही तुम्हें बोल दो आप जैसे बोलना शुरू कर दो मिनट में रियलाइज हो जाता मामा का तुमसे ना हो पाएगा So now that we have 50,000 subscribers, let's do a giveaway. Yeah, I mean, आपको बहुत cringe है. Actually, मामा बहुत cringe है. मतलब बहुत cringe है. बहुत मुझे अजीब सा लग रहा है. Let's do a giveaway. Maybe यार. अच्छा, तुम दोनों कौन सी गेम्स खेलते थे by the way? हम लोग उसने वो तो डोटा खेलता था मैं स्टार्ट करता ऐसा था कि हमने नाइन्थ में रुक जा ठीक है रुक जा रुक जा ऐसा था कि एट्थ में हमने ऑनलाइन गेम स्टार्ट की थी एज ऑफ एम्पायर्स के साथ फिर हम ऑनलाइन मत जाना प्लीज ऑनलाइन मत जाना ट्रांजिशन मत ही करना सही है अबे यार मेरे को पता था गेम्स के बारे में बात करना शुरू कर खत्म कर रुक जा खत्म कर मैं जल्दी बोल रहा हूं नाइन्थ हमने काउंटर स्ट्राइक खेला 1.6 क्योंकि हमारा पीसी गो को चला नहीं पा रहा था और उस टाइम गो एक्सपेंसिव ही था ठीक है उसके बाद हमने नाइन्थ में डोटा स्टार्ट किया और अब तक नहीं छोड़ा ओके गाइस ये पागल है ये लोग प्लीज बंद करो यार नहीं जाऊंगा तेरे